नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह। इकोनॉमी में सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने आज कई घोषणाएं की हैं। क्या घोषणाएं हैं और उनका इकोनॉमी पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा करते हैं हमारे संपादक हरवीर सिंह जी से। हरवीर जी, इकोनॉमिक के को लेकर काफी दिनों से प्रयास लगाए जा रहे थे कि इस पर कुछ हो सकता है, सरकार कोई घोषणा कर सकती है। क्या घोषणाएं की है वित्त मंत्री ने और इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका जॉब्स पर क्या असर होगा? नहीं, देखिए, आपने सही कहा है कि क्यों जरूरत पड़ी। हमें बहुत पीछे ही जाना है। जुलाई के फर्स्ट वीक में इन्हीं वित्त मंत्री ने एक बहुत ही लुभावना सुहावना बजट पेश किया, जिसने कहा है कि देश की इकोनॉमी को हमको 5 साल में $5 ट्रिलियन मिलने जाएंगे और तमाम सारी घोषणाएं की उनके उस पर बहुत सारा उत्साह था, बहुत सारा आत्मविश्वास था। रेवेन्यू से लेकर के एक्सपेंडिचर तक के लिए बहुत बड़े बड़े आंकड़े थे और 8% की विकास दर का लक्ष्य था। सोचने वाली बात यह है कि 2 महीने के पहले ही बजट पेश कर दिया। बजट एक बड़ी एक्सरसाइज होती है। ऐसी स्थिति क्यों आन खड़ी हुई कि आज सरकार को एक राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ी। और यह मैं एक और कहूंगा कि जो सरकार के अंदर तालमेल की कमी है, क्योंकि बजट पेश करने के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने सर्वे पेश करते हुए कहा कि इकोनॉमिक 7% के पैसे पड़ेगा। अगले दिन बजट पे सारे टारगेट 8% में थे। कल वही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिनको मैं बहुत ही अगंभीर मानता हूँ, बचकाना बयान उन्होंने दिया कि इंडस्ट्री को पापा बचाओ वाली धारणा से बाहर आना चाहिए, सरकार कोई स्टिमुलस पैकेज के सहारे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब नॉर्थ ब्लॉक में कुछ कमरों की दूरी पर इतने बड़े अधिकारी को ये नहीं पता कि आज सरकार पैकेज अनाउंस करने जा रही है और ये एडमिशन है सरकार का, पहली बार स्वीकार्यता है कि हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन है और स्लो डाउन को दूर करने के लिए उन्होंने जो भी राहत पैकेज तैयार किया, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने बैठे भाई तमाम सारी चीजें हुई है, उसको इसलिए जरूरी समझा गया कि अब पानी सर से गुजर चुका है। तमाम सारे जो इकोनॉमी के क्षेत्र है, कोई भी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर गेस्ट्यूज तक, सबकी हालत खराब है, इसलिए आज उनको सामने आना पड़ा। इसका जॉब्स पर कुछ असर होगा जो भी घोषणाएं आज हुई? देखिए, एक तो चिंताजनक बात यह है कि अपना जो एक तरीके से बेल वेदर सेक्टर जिसको माना जाता है ऑटो, ऑटो 20 साल के निचले स्तर पर गया सिकुड़ रहा है सेक्टर, और आपका जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है उसका लगभग 5वां हिस्सा से फोटो है, वहां पर बड़े डबल जो चला है। टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को विज्ञापन देकर बताना पड़ा कि 50 लाख से 1 करोड़ जॉब जा सकते हैं। सवाल यह है कि सरकार के समझ नहीं रही थी, लगातार जो है एक सच्चाई को झुठलाने की कोशिश हुई। और आज भी वित्त मंत्री के इस प्रेजेंटेशन के बाद जो पहला सवाल किया मीडिया की तरफ से हुआ कि जॉब का क्या होगा, वो उस सवाल को टाल दे, रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया कि रेवेन्यू सेक्रेटरी जवाब दे दे कि इस, क्योंकि उसमें एक सवाल ये भी था कि इसका रेवेन्यू इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताया कि करीब 1400 करोड़ रुपये का सरकार के रेवेन्यू पे इसका असर आएगा, लेकिन हम जहाँ हैं जो हमारे टारगेट है वो ठीक है। तो जॉब का तो सवाल ही दब गया आज भी। और मेरा मानना है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा जो क्राइसिस है उसका जो जॉब का रिवाइवल है, हो सकता है कुछ क्षेत्रों में जॉब तो रुक जाए लेकिन वो रिवाइव हो जाएगा, इसको लेकर कोई संदेह नहीं। ऑटोमोबाइल और हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ कहा है वित्त मंत्री जी, तो उसका कितना इम्पैक्ट है? देखिए, मेरे ख्याल से एक तो ये है, उन्होंने सरकार के जो खरीदारी होती है व्हीकल्स की उसमें कहा कि जो रिप्लेसमेंट को लेकर के बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया, प्लस उन्होंने कहा कि जो BS4 वाहन है अगर वो 2020 तक खरीदे जाएंगे लास्ट तक, तो वो उनका पूरे लाइफ टाइम में वो रहेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इंडस्ट्री का जो डेप्रिसिएशन होता है व्हीकल्स का, उसको उन्होंने बढ़ा दिया, ये थोड़ा सा बूस्टर है। लेकिन सवाल ये है कि जो सबसे सस्ता वाहन खरीदने वाला कॉमन बैंक है, असली सरकार वाहन से शुरू है, उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा? हालांकि इन्होंने कहा है कि कर सस्ते हो जाएंगे और
बैंक्स को जो है वो रेपो रेट के साथ अलाइन कर दिया जाएगा, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कहा है और हमने पहले बहुत देखा है, ऐसा कभी नहीं होता। बैंक खुद संकट से जूझ रहे हैं, वो इतनी जल्दी सब कुछ उधर से रेपो रेट अनाउंस होगा और अगले दिन वो उसको घटा देंगे, बिकॉज रेपो रेट इज नॉट द कॉस्ट, एंटायर कॉस्ट ऑफ द फंडिंग और डिपॉजिट्स और लैंडिंग कॉस्ट बैंक्स की जो है उसमें, और डिपॉजिटर्स का भी तो पैसा है। अगर किसी बैंक ने 7% 8% की एफडी पर पैसा लिया है तो वो रेपो रेट अगर 5% से हो जाए तो ऐसा थोड़ी कि वो घटा देगा। वो रेपो रेट तो एक ट्रांजिशनल है, आप भी जानते हैं कि जो उनको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की वो हिस्सा है ना, सारा थोड़ी है। बजट में घोषणा की गई थी कि 2 करोड़ से ज्यादा इनकम वालों का सरचार्ज बढ़ाया गया था, अब उस सरचार्ज को वित्त मंत्री ने कहा है कि वो नहीं बढ़ेगा, बजट से पहले जो रेट था वही लागू रहेगा। असल में देखिए ये ज्यादातर घोषणाएं हुई है मार्केट को लेकर के, क्योंकि मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरता है, ये लोग कहते हैं कि ठीक है उस दिन मार्केट 6 रुपए गिर जाता है, तो जो मार्केट का सेंटिमेंट है और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट में आते हैं हमारे एफडीआई वहां संकट है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो सरचार्ज वगैरह का उसमें कहा कि बजट जो बढ़ोतरी थी ऊपरी बजट स्थिति में आ जाएगा। जहां तक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात है उसमें तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, उन्होंने कहा है कि जब भारत की आज़ादी की सालगिरह आएगी जो है 75वीं, उसमें जो है हम 75वीं यानी है ना, तो उस वक्त तक हम ये HNI वालों को देखेंगे, इनका जो इनके ऊपर बढ़ाया था तब जो है उस पर फैसला लेंगे। तो अभी कई सारी घोषणाएं हुई हैं बट उसमें ज्यादातर जो है स्टॉक मार्केट को लेकर के और मार्केट को बूस्ट करने की, इवन जो वगैरह लगभग हुआ पूरी आपको इनके अनाउंसमेंट कर देखिए वैल्यूएशन का, उसमें ज्यादातर मार्केट को बचाने की कवायद ज्यादा है, जो क्रिएशन और जो सेक्टर जूझ रहे हैं उनको बचाने की कवायद उतनी मजबूत नहीं। GDP में MSME की हिस्सेदारी करीब 20% है, इनके लिए वित्त मंत्री ने क्या कहा? असल में देखिए MSME के लिए इन्होंने कहा है कि एक तो कर्जा उनको ज्यादा मिले प्लस एक वन टाइम सेटलमेंट की एक ट्रांसपेरेंट स्कीम लाने की बात है। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो एक माहौल बन गया है टैक्स टेररिज्म का, उन्होंने वे शब्द तो इस्तेमाल नहीं किए लेकिन प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि जो लोग देश के लिए धन पैदा करते हैं धन संपदा निकालते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिए हैं उसमें कि जो कर डिपार्टमेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए जाति नहीं करेगा। पहले तो ये समझना चाहिए हमें उन्हें ये कहना क्यों पड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाति हो रही थी वो एडमिट करे। अभी देखिए हमारा एक हमारी जो सिस्टम ऑब्लिगेशन है आउटलुक इंग्लिश एक पूरा एक कवर स्टोरी की है जिसमें फियर फैक्टर डर जो समाज है लोगों के अंदर कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री के अंदर तो वो उसको उजागर करती है, तो मतलब डर है तो डर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश उन्होंने बहुत एम्फोसाइज किया इस बात के ऊपर कि बिल्कुल कोई उसमें कोई व्यक्ति सीधे काम नहीं करेगा, नोटिस ऐसे नहीं भेजाए जाएंगे वैसे नहीं भेजे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो ये पहलू मुझे ज़्यादा लग रहा है उसमें और उसी में क्योंकि MSME जो डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था उसका सबसे बड़ा शिकार इनफॉर्मल सेक्टर MSME हुआ था, तो वो अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा अभी भी और इसीलिए थोड़ा कोशिश है। और एक MSME पॉलिटिकली वैसे भी जो BJP का जो एक वोट बैंक है और जो उनका ट्रेडिशनल सपोर्टर है उसका बड़ा हिस्सा MSME और टर्सन छोटी कारोबारी लोग आते हैं, तो शायद उनके थोड़ा तकलीफ को मरहम लगाने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने की। आपने टैक्स टूरिज्म की बात की तो जो स्टार्टअप्स हैं वो भी एंजल टैक्स को लेकर काफी परेशान है, उनके लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं वित्त मंत्री ने, उसके बारे में समझाइए। उसमें देखिए क्या होता है कि अभी जो स्टार्टअप होता है उसको कोई फंडिंग करता है तो फंडिंग में क्या होता है कि हमारा टैक्स डिपार्टमेंट उसको जो पैसा आता है उसका इनकम मान लेता है, जबकि वो तो अभी इनिशियल स्टेज पे धंधा करेगा इन्वेस्ट करेगा ये सब होगा तो उसको एंजल टैक्स पे आ गया। एंजल टैक्स नाम की कोई चीज कर कानून में नहीं है, वो एक प्रोविजन है, उसको कह रहे कि उसको देखेंगे क्या करना है, तो उस तरीके का है। अब जो भी होगा जितना करके स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया तो नाकाम हो गया और हमारे जो पुराने स्टार्टअप थे वो भी MNCs को पैसा देकर लेकर से बेच के निकल रहे हैं, तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज नहीं है उस फ्रंट पे।
जीएसटी को लेकर कारोबारियों की काफी शिकायतें रही हैं, उनको किस तरह से दूर करने की कोशिश की? जीएसटी में देखिए, उन्होंने फिर से एक बार किया कि जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन और जीएसटी में जो रिफंड है उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, और लेकिन रेट्स को लेकर के उनका सीधा था कि जीएसटी काउंसिल है, राज्यों के साथ बात करके कोई फैसला हो पाएगा, और अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन उस तरह का नहीं ले पाएंगे। एक आखिरी सवाल करते हैं, सीएसआर को लेकर बड़ी कंपनियों की तरफ से काफी शिकायत आ रही थी कि उनका मेन कंसर्न जो था कि इसको क्रिमिनल केस बना दिया गया था कंपनीज एक्ट में संशोधन करके, तो उसमें क्या क्या बनता है? उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस में माना जाएगा, क्योंकि लोगों को डर था कि उनके खिलाफ केस दर्ज होने लगे, लोग अरेस्ट होने लगेंगे। लेकिन एक बात हमें ये भी देखनी चाहिए, हालांकि बहुत ही हार्श है वो, उस तरीके से जो आपने समाज के लिए काम करना चाहता है उसके ऊपर आप कंडीशन है कि इतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा, तो बट उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि इसका स्क्रूटनी तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट इस मामले में वोटिंग है और वो दाएं बाएं ज्यादा करते हैं, मतलब जिस मकसद के लिए उनको ये मिला है जिनमें खर्च करना है वो या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं या फिर कुछ ऐसे, अभी वाले को कह रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट नहीं मिले ऐसे देश पे जहाँ गरीब 30% हो, जहाँ पे रूरल कनेक्टिविटी ना हो, जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब हो, जिसको सी एस आर पे खर्च करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, उसके लिए योजनाओं की कहाँ कमी है, ये हमारे कॉर्पोरेट को भी अपने अंदर छापना चाहिए। धन्यवाद अरविंद जी। तो आपने देखा कि वित्त मंत्री ने क्या घोषणाएं की हैं और उनका क्या असर होगा, ये आपने समझा कि इसका असर कब तक होगा और कितना होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप देखते रहिए आउटलुक।